नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हनुमान चालीसा को अगर सही ढंग से पढ़ लिया जाए, हनुमान चालीसा में बताए गए सभी नियमों का पालन कर लिया जाए और नियमानुसार पूजा पाठ कर लिया जाए तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा को एक सिद्ध मंत्र माना गया है और हनुमान जी महाराज को चिरंजीवी कहा गया है, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज कलयुग में इस पृथ्वी पर स्व शरीर भ्रमण करते हैं, इसलिए कोई भी पूजा पाठ या आराधना आप पूरे मन और श्रद्धा से करते हैं तो हनुमान जी महाराज तुरंत आपकी बात को सुनते हैं और तत्काल आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही हनुमान चालीसा के एक प्रयोग के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामना को बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग यह बोलते हैं हम हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते हैं लेकिन हमको कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें कोई न कोई गलती जरूर आपकी ही होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ को सुनकर हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, जातक की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताऊंगा जो आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेगा। और दोस्तों, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आज तक पूर्ण नहीं हुई है तो जो प्रयोग आज आपको बताएंगे उससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं और हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले, और साथ ही वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आपको हनुमान जी का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको संकल्प कैसे लेना है, हनुमान चालीसा का पाठ कितने दिन करना है, ये सभी बातें आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आपको ये सब सारी बताई जाएगी। दोस्तों, इस प्रयोग को मंगलवार या शनिवार के दिन ही कर सकते हैं। दोस्तों, मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की आराधना का अति उत्तम दिन माना जाता है, यह हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित दिन माना जाता है। दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना है, फिर उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है, एक खास दीपक तैयार कर लेना है और उसमें चमेली का तेल का उपयोग करेंगे तो अति उत्तम है, नहीं है तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप 11 मंगलवार, 21 मंगलवार या फिर 41 मंगलवार का संकल्प ले सकते हैं, या इससे भी ज्यादा आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हर मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जिस मंगलवार से आपको शुरू करना है उसके बाद आपको लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और भगवान बजरंगबली को भोग लगाना है। आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या फिर तिल के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई मीठा पकवान है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। आप जितने दिन का संकल्प लिए हैं आपको उतने दिन तक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है, एक दिन भी आपको गैप नहीं करना है। किसी कारणवश अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर ही जाना है। दोस्तों, अगर आप अपने संकल्पों के आधार पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो निश्चय ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी, चाहे आपकी कोई भी समस्या क्यों न हो, भूत प्रेत की समस्या हो, जादू टोना हो, या कोई तंत्र बाधा हो, या आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या फिर गृह क्लेश हो, या कर्ज की समस्या है जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं, इन सभी परेशानियों के लिए आप बताए गए नियमों के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आप अपने मनोरथ में सिद्ध होंगे, आप कामयाब होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि सनातन के इस बहुमूल्य उपाय को आपने हमारे माध्यम से सुना, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आज के लिए बस यहीं पे रुकता हूँ, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।